हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन डायरी। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये कुछ डेकोर आइटम्स हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं वो मीशो से ऑर्डर किए हैं सारे के सारे। तो आज की वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है मेरी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर आपको मिलती है फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, होम डेकोर, ये शॉपिंग रिव्यू, ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते रहते हैं उसके रिलेटेड वीडियोस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था। हैंगिंग प्लांट आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ऐसा होता है कि मैंने भी काफ़ी टाइम से इनडोर में जो है वो ओरिजिनल प्लांट्स रखना प्रेफर करती हूँ। जैसे स्नेक प्लांट है, वो चल जाता है अंदर, मनी प्लांट चल जाता है आपका, बाकी कुछ एक प्लांट्स होते हैं उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हमें इंडोर रखने हो तो, क्योंकि उनको धूप भी चाहिए होती है कुछ टाइम की, तो उनको मॉर्निंग की धूप दिखानी पड़ती है। तो कई जगह ऐसा होता है कि सनलाइट नहीं आती प्रॉपर, तो वहाँ पर हमें आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इनसे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल प्लांट है और हरा भरा है, कुछ ग्रीनरी है घर के अंदर, तो और भी ज़्यादा सुंदर लुक आता है घर का। तो होम डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये प्रोडक्ट। तो जल्दी से आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो फर्स्ट आइटम मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, मैंने ले लिए यहाँ पर पेन। पेन से ही ओपन करूँगी मैं इनको सभी को, बॉक्सेस को। तो इस तरह से आए थे ये मेरे पास, ये जो है इस तरह से ईजिली ओपन हो जाता है फिर पेन से, ये देखिए। तो अभी मैंने भी देखा नहीं है ये प्रोडक्ट, मेरे पास आज ही रिसीव हुए, कुछ कुछ आगे थे, कुछ आज ही रिसीव हुए हैं। तो मैंने ये वाले तो नहीं ओपन करके देखे, ये मैंने छोटा सा प्लांट ऑर्डर किया है देखिए। तो ये इस तरह से पैकिंग में आया कुछ, और देखने में देखिए, मैं भी आपके सामने देख रही हूँ, इस तरह से है ये। इन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर बिजनेस, प्लीज रिव्यू और रेट आवर प्रोडक्ट। इनके लिए रिव्यू बनता है एक, तो हम देखते हैं पहले। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, और इसके लीव्स को एक विद पॉट आया है, और देखिए और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये। इसका प्राइस जो है वो मैं सभी प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा भी वो मैं ऊपर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इसका लुक, इसकी पत्तियों को थोड़ा थोड़ा सेट करना पड़ेगा, इस तरह से हमें ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि पैकिंग में आपको पता है थोड़ा सा तो होता ही है प्रोडक्ट। बट ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ओरिजिनल प्लांट से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। देख सकते हैं आप इसका लुक, कितने ज़्यादा लीव्स है इसमें और कितना सुंदर लग रहा है, ओरिजिनली लग रहा है पूरा कि ओरिजिनल प्लांट हमने रखा है। मैंने एक प्लांट आपको दिखाऊंगी लास्ट में, वो मैंने पहले ऑर्डर किया था, उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले, काफ़ी लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो, कि बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, हम ले जाते हैं हम ले जाते हैं, तो ऐसा ऐसा भी बोल लें को। ये देखिए, तो ये है मेरी फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये आया है कुछ इस तरह से पैकिंग में, ये देखिए, और इसका दिखाती हूँ आपको। ये मनी प्लांट टाइप है, तो ये स्टिक इसकी अलग से आई है, और ये जो लीव्स है इसकी वो इस तरह से पैकिंग में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगेगा ये। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि इनको इजीली वॉश कर सकेंगे हम ओपन करके, क्योंकि ओपनेबल है सारी की सारी। तो लगा कर चेक करती हूँ मैं कैसा लग रहा है ये, इस तरह से लग जाएगी इजीली ये। तो एक एक करके लगानी पड़ेगी। कुछ लीव्स के कलर लाइट हैं, कुछ के डार्क हैं, तो आई डोंट नो कैसा लगेगा खोल कर। पिक्चर में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अभी देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसा लगेगा ये। तो मैं आपको बता भी दूँ साथ के साथ कि मैंने सारे प्रोडक्ट खुद अपने पैसों से लिए हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो आप, मैं आपको जेन्युइन रिव्यू शेयर कर दूंगी, अगर कोई अच्छा लगा तो अच्छा है, नहीं लगे अच्छा तो नहीं है, अच्छा जी क्या कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आपने मंगाने हो तो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका पूरा लुक कैसा आ रहा है लगाने के बाद।
कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी आप देख सकते हैं। लीफ तो काफी बड़ी बड़ी है, इससे ग्रीनरी तो काफी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। अगर किसी कॉर्नर को आपने डेकोरेट करना है, आप कुछ प्लांट देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, तो वैसे तो ठीक ही लग रहा है मुझे। बाकी को दिखाती हूँ मैं पूरा लुक इसका किस तरह से आएगा। तो इसको कर लेते हैं अभी हम ऊपर। तो ये इस तरह से है प्लांट, ये तो ये आप देख सकते हैं इसका लुक। पत्तियां जो है वो थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी लग रही है, अभी मुझे इनको सेट करना पड़ेगा। तो ये है कुछ इसका लुक, इस तरह से आ रहा है। तो ये था मेरा सेकंड ऑर्डर, अब इसको सेट करके देखूंगी। कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा मुझे, बट देखूंगी लगाकर कैसा लग रहा है। ऐसे लगाकर तो अच्छा लगेगा, स्टैंड में अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो अच्छा लगेगा वैसे। तो इसके लिए ऐसा नहीं बोलूंगी कि रिकमेंडेड है। तो दूसरा वाला तो बहुत अच्छा लगा, जो फर्स्ट आइटम मैंने ओपन की थी आपके सामने, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या आया है। तो इस बॉक्स में आए हैं सकुलेंट। तो सकुलेंट मैंने ऑर्डर किए थे क्योंकि आपको पता है सकुलेंट जो है वो इनडोर नहीं चलते हैं, उनको पूरी की पूरी सनलाइट चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तो ये बाहर ही सर्वाइव करते हैं हमारे सकुलेंट जो होते हैं। तो ये मैंने इंडोर के लिए मंगाए हैं, तो ये आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली बात है। तो ये इस तरह से आए हैं, देखिए ये 6 की पैकिंग में आए हैं मेरे पास। और ये कुछ इस तरह से हैं अलग अलग, एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप इसका लुक, इस तरह से आए हैं। और ये है देखिए इतना सा साइज भी आप देख सकते हैं। कुछ का साइज छोटा है, बिल्कुल ही ज़्यादा छोटा है, और कुछ का नॉर्मल सा साइज है, मतलब ज़्यादा बड़े तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं इस तरह से है। लग तो काफ़ी सुंदर रहे हैं, छोटे से हैं बट क्यूट हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। इसके लिए भी 10 out of 10। ये देखिए ये इस तरह से, देखिए ये काफ़ी बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, 6 की पैकिंग में आए हैं मेरे पास, बट ठीक है अच्छे हैं, ले सकते हैं हम इंडोर के लिए। जैसे आपने, मैं आपको दिखाऊंगी इसका कैसे कैसे हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए क्लिप लगा दूंगी लास्ट में कि सर्कुलेंट है तो इनको हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या आया है। ये मैंने नेक्स्ट मंगाया है, देखिए ये है कुछ जैसे उस शिवलिंग के ऊपर रखते हैं ना, वो स्टैंड सा होता है, ये वो आया है। बट ये तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है मुझे, तो देखती हूँ इसको क्या करूँगी, रखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये आई थिंक 200 के ऊपर ही है ये वाली आइटम, बट आपको लगाकर भी दिखाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा था कि सावन का महीना आ रहा है, तो उसके लिए मुझे शिवलिंग के लिए एक अलग से जो है वो प्लेस क्रिएट करना है। मैंने रखा है शिवलिंग घर में, बाहर रखा है, अंदर नहीं रखते हैं बोलते हैं, तो मैंने बाहर बालकनी में रखा हुआ है क्योंकि मैं व्रत वगैरह करती हूँ सोमवार का, तो पानी वगैरह चढ़ाना होता है, तो मैं यहाँ पर ही कर लेती हूँ पूजा वगैरह जो मुझे करनी होती है घर पर ही। तो उसके लिए मुझे चाहिए था ये वाला स्टैंड भी, क्योंकि आपको पता सावन का महीना आ रहा है अभी, तो उसके लिए स्पेशली मैंने ये मंगाया है। बट ये बहुत ही छोटू सा आया है देखिए, बट ठीक है अच्छा है वैसे तो। ये वही बात होगी, डेकोरेशन के पर्पज से यूज कर सकते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसमें ओपन करके ही दिया है मेरे पास ये, तो ये कुछ इस तरह से फिक्स होगी एक एक करके तीनों, और उसके ऊपर ये वाला रखा जाएगा इस तरह से।
इसमें भी होल किया हुआ है प्रॉपर, तो इसमें पानी वगैरह डालने के लिए ये छोटू सा आप देख सकते हैं, दिखाती हूँ आपको इसको बाद में। नेक्स्ट मैंने मंगाई है ये मनी प्लांट्स वाली जो बेल आती है ना, वो वाली मंगाई मैंने। देखिए ये मुझे इस तरह से आई थी पैकिंग में इसमें, और ये चार बेल हैं, मतलब चार जो है लड़ियां हैं इसकी, और ये कुछ 7 मीटर, 7 मीटर ने दिखाया था आई थिंक। एक सेकंड मैं पढ़ लेती हूँ, मैं भूल गई हूँ कितने मीटर है ये। ये मुझे पड़ी थी 103 रुपीज़ की, और इसमें कुछ लिखा है कितना लेंथ है इसकी, पैक ऑफ 4, ये तो मैंने आपको बता दिया। 8 फीट है ये, 8 फीट की जो है वो एक स्ट्रिंग है, इसका साइज है 8 फीट। तो इस तरह से है ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट की जो बीन्स आती है, ये काफ़ी अच्छी होती है, यूजफुल होती है। मैंने जो वायर वगैरह होती है हमारी टीवी की, उसको हाइड करने के लिए मंगाई है मैंने ये स्पेशली। इससे अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा, डेकोरेशन की डेकोरेशन हो जाएगी, और जो हमारी वायर वगैरह होती है वो भी हाइड हो जाएंगी इससे काफ़ी अच्छे से। ये उसके पर्पज से मैंने मंगाई थी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये वाले गमले मंगाए हैं रेक्टेंगुलर शेप के, तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए थे 200 के आसपास मुझे मिले ये 3। इसका साइज भी काफ़ी अच्छा है, देखिए आप देख सकते हैं, और 3 कलर में ये आया था मेरे पास, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी, हैंगिंग प्लांट। तो हैंगिंग प्लांट देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है रखा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जरूर से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये, क्योंकि इसका जो कलर है, जो इसका लीव्स है छोटी छोटी, ऐसा लगता है नेचुरली कुछ रखा है, और ये रखा हुआ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लगता है आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं किसी भी प्लेस के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, ये काफ़ी आपके घर को एक अलग ही वाइब दे देगा, ग्रीनरी क्रिएट कर देता है किसी भी कॉर्नर में। आप इसको सेल्फ के ऊपर हैंग कर सकते हैं, आप इसको पॉट में लगा सकते हैं, आप इसको कर्टन रॉड के साथ हैंग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसको हैंग करने की। तो वैसे तो इसमें पॉट लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दूँ तो ये पॉट इसके साथ ही आता है, और ये जो वायर ये जो लग रही है इनको आप ओपन करके वॉश भी कर सकते हैं एक एक को, ये ओपनेबल है सारी, ये जो इसकी लड़ियां हैं ये ओपन भी हो जाएंगी, यहाँ से ये ओपन हो जाती है, यहाँ से इजिली निकल जाएंगी, और इनको इजिली वॉश कर सकते हैं हम पानी से। इनका ये बेनिफिट होता है कि लो मेंटेनेंस है सारे के सारे ये प्लांट्स जो भी हैं आर्टिफिशियल, और जो दूसरे आप इंडोर रखते हैं उनके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बट बेनिफिट तो उनका ज़्यादा होता है बट केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप रख सकते हैं, वैसे तो स्नेक प्लांट की कोई केयर नहीं करनी पड़ती, मैं आपको बता दूँ, मनी प्लांट की कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। बाकी एक रबर प्लांट आता है वो भी मैंने रखा हुआ है, बट उसको तो मैंने अभी बाहर ही रखा है स्टेयर्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी धूप तो उसको चाहिए चाहिए। बाकी मेरे यहाँ अंदर धूप नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है मेरे रूम में, किसी में भी आती है बट वो फिर वहाँ पर अप्रोप्रिएट जगह नहीं है उस चीज़ को रखने के लिए, जैसे मैं कुछ गमले वगैरह रख पाऊँ वहाँ पर। तो इसी वजह से फिर मैंने आर्टिफिशियल मंगाए हैं ये प्लांट, ताकि मैं अपना कॉर्नर जो है वो उसको डेकोर कर सकूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पहले गमले वगैरह जो भी थे इंडोर के लिए स्टैंड वगैरह वो मैंने मंगा कर रखे हूँ, उनके लिए मैंने स्पेशली ये 2-3 जो भी थे वो ऑर्डर किए हैं। आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो में कैसे लगेगा लुक इनका सबका। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, ये काफ़ी टाइम से मैंने मंगाया था, ये पहले का आया हुआ है मेरे पास, और मैंने वीडियो में शेयर भी कर दिया होगा आई थिंक आपके साथ, बट अब एक्चुअल जो है मतलब आर्टिफिशियल प्लांट्स के ऊपर वीडियो बन रही है तो उसका रिव्यू देना भी बनता है। वो काफ़ी टाइम से मेरे पास है और काफ़ी अच्छा है अभी तक, तो दिखाती हूँ उसका लुक आपको। तो ये है वो प्लांट जिसकी मैं बात कर रही थी, तो इसकी भी ऐसे पत्तियां जैसे मैंने आपको ये वाली दिखाई तो इसी की तरह आई थी, बट ये एक एक मतलब स्प्रिंग आई थी अलग अलग से। फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर बैम्बू स्टिक लगाई है मैंने इसमें, उसके साथ मैंने इन लीव्स को सारी को टाई कर दी है, और एक इसका अच्छा खासा लंबा सा पेड़ बना दिया है, और देखिए देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। ये ओरिजिनल प्लांट की तरह ही वाइब देता है कि ओरिजिनल प्लांट रखा हुआ है, और रखा हुआ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है किसी भी कॉर्नर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें गमले में रखा हुआ है,
और इसमें मैंने स्टोन्स रखे हुए हैं कि ताकि ये गिरे ना, अच्छे से टिका रहे मतलब। तो अभी आपको दिखाती हूँ सारे प्रोडक्ट का एक बार वीडियो का रिव्यू, कैसे कैसे मैं इनको डेकोरेट। की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो मैं आपको बता दूं मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो जो मैंने फर्स्ट नंबर पर ओपन किया था विद पॉट आया है, 200 के आसपास है उसका प्राइस, बट वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। मतलब आपको बताऊं तो आप मानेंगे नहीं। एक वो और एक जो हैंगिंग वाला है वो भी अच्छा है, सकुलेंट अच्छे हैं, बट वो जो बड़े बड़े लीव्स वाला मैंने आपको दिखाया वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी उसको। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं उसका जो भी लिंक वगैरह जो भी होगा वो मैं दे दूंगी आपको, स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी उसका जो प्राइस वगैरह होगा। बट मैंने आपको बता दिया जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे प्रोडक्ट। अब आप बताइएगा मुझे आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो करते हैं वीडियो की एंडिंग, फिर मिलेंगे हम ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, सी यू सून, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए जल्दी से और आप वीडियो देख सकें। तब तक बाय बाय, खुश रहिए।